okay hi everyone uh, welcome back to this channel uh, if you are a college student you can subscribe to this channel and if you are studying um, in class 11th and 12th you can also subscribe to this channel we make videos related to all the topics that uh, are related to the college students and the students of uh, from commerce background of school also so this video is the continuation part of uh, internship that is workshop on uh, internships or you can say this can be um, uh, helpful for you to have a placement or a job in different kind of companies in India. So we till now we have discussed tier tier one or tier one companies. Now we are moving on towards um, tier two and tier three. And if you say this tier, then please replace tier with tier or whatever. Okay. So let's talk about uh, how to get in tier two. okay so how to get entire two companies you can uh your if your placement cells are providing opportunities in in township in various fields and you can directly apply uh, into your two companies by your placement cell then you can have a reference as we have discussed in the tier, tier one also and uh, you can also apply to these companies uh, via linkedin uh, linkedin is a very good platform where you can uh, have un in N numbers of opportunities in various fields. So, uh, I think if you are a college student, you must join LinkedIn as of now uh, because it's a very professional platform. Uh, rather than scrolling down Instagram, I'm not saying I'm not against Instagram, but yes, uh, if, uh, if you want to do something extra or uh, extraordinary or uh, that is not really, I guess, <laughs> that's not really ordinary, then you should join LinkedIn. बिकॉज एंड ज्वाइनिंग लिंक इन डजेंट मीन कि इंस्टॉल करके रख दो उसे यूज करो एक्से उसको उसका यूटिलाइज करो प्रॉपर वे में सो दैट दैट शुड बी द वे टू यूज़ द लिंकडिन सो दैट यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज एंड उसके अलावा वी कैन अप्लाई टू टी टू कंपनीज बाय द नौकरी डॉट कॉम येस दो वी से नौकरी डॉट कॉम पे जबकि सबसे नंबर वन प्लेटफॉर्म पे यही है मतलब जो हमें जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है फॉर जॉब्स यू कैन अप्लाई टू नौकरी डॉट कॉम पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन डीड ऑल्सो एन मॉन्सटर इंडिया दिज आर द्री प्लेटफॉर्म वे यू कैन एंड देर आर अलॉट मोर बहुत सारे और भी हैं बट दे आर मोस्ट ट्रस्टेड मतलब इनमें इनको ज्यादा ट्रस्ट कराता है उनसे ज़्यादा सो इन दिस आई हैव लिस्टेड सिक्स पॉइंट्स बट देर आर मेनी वेज टू गेट इन टायर टी टू और टायर टू कंपनीज नाउ अब हमें स्किल्स क्या चाहिए टीयर टू के लिए वन और टू के लिए क्योंकि दोनों ही टीयर वन कंपनीज मैंने उस वाली वीडियो में भी बताया था टीयर वन कंपनीज एक्चुअली वो कंपनीज हैं जो बहुत फेमस और बहुत नोन uh, है हमारे को और टीयर टू कंपनीज वो हैं जो हमें uh, जो टायर वन को रॉ uh, मटेरियल uh, और कुछ मटेरियल प्रोवाइड करती है या उनका आउटसोर्स वर्क करती है तो इस करके हमें टी ए टू और टाए टू की कंपनीज का भी नॉलेज होती है सो so, बट हमें चाहिए क्या स्किल्स क्या चाहिए क्योंकि वो ऐसे ही किसी भी को नहीं लेंगे सपोज अभी तुम बी की बात करो तो अगर तुम बी कॉम परस्यू कर रहे हो या कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो तो हमारी क्लास में फोर्टी प्लस स्टूडेंट्स तो होंगे फोर्टी प्लस स्टूडेंट्स और एक कॉलेज में दो से तीन सेक्शन तो होती हैं सो इवन इन योर कॉलेज ऑल्सो देर आर हंड्रेड स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग सेम डिग्री सो वॉट विल डिफरेंशिएट तो ये डिफ्रेंशिएट्स के लिए क्या करते हैं वो स्किल्स देखते हैं कि क्या बच्चों में ये स्किल्स हैं या नहीं सो so, पहला होगा कमर्शियल अवेयरनेस मतलब कि आपको बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि आसपास कौन से बिजनेस रनिंग में अच्छे चल रहे हैं इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है और हमारी कंपनी जो जिस कंपनी में आप जा रहे हो वो कंपनी काम कैसे करती है और वो कंपनी कैसे अपना फ्यूचर अच्छा और कर सकती है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली उसमें पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में उसके बाद कम्युनिकेशन आपके अच्छे होने चाहिए विदाउट हैविंग गुड कम्युनिकेशन यू कैन नॉट गेट इन अ गुड कंपनी एज अ जो बड़ी कंपनी होंगी वो ऑब्वियसली दे आर मोर इंटू एडवर्टीजमेंट दे आर मोर इंटू पब्लिक रिलेशन यस इनिशियली कंपनी कभी भी पब्लिक रिलेशन सेल्स नहीं बनाती है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट नहीं बनाती बट लेटर ऑन दे हैव टू मेनटेन इट एंड उसमें सिर्फ कॉम्युनिकेशन की ही बात होती है नॉट इवन पी आर बट ऑल्सो देर आर सो मेनी डिपार्टमेंट इन द कंपनी जिसमें कॉम्युनिकेशन इज नेसेसरी कोई भी डिपार्टमेंट बिना कॉम्युनिकेशन के रह ही नहीं सकता सो कॉम्युनिकेशन इज द वन थिंग दैट दे ऑलवेज वॉन्टेड गुड नॉट कॉम्युनिकेशन द गुड कॉम्युनिकेशन स्किल सो दैट यू दे कैन डिफरेंशिएट यू फ्राम द स्टूडेंट द रेस्ट स्टूडेंट दैट आर इन योर कॉलेज बट जो उनमें स्किल्स नहीं हैं और तुम में है तभी वो तुम्हें लेंगे देन टीम वर्क कंपनी छोटी हो या बड़ी टीम वर्क स्पिरिट जो होती है वो हसब में होनी चाहिए मतलब जो भी कंपनी का एम्प्लॉय है मैनेजर uh, है डायरेक्टर है और कंपनी के इवन वर्कर्स हैं कुछ भी है उनमें टीम वर्क वो होना चाहिए टीम विदाउट टीम स्पिरिट वो कुछ नहीं कर सकते नेगोसिएशन एंड परसुएशन येस यू शुड हैव अ कैपेबिलिटी टू परसुएट द कस्टमर्स और दो भी जो भी तुम्हारी कंपनी से डील करता है उसे आपको परसुएट करना आना चाहिए सप्लायर से नेगोशिएट करना आना चाहिए कस्टमर से भी बार्गेनिंग की टेक्निक वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन तुम्हें भी उसे क्रॉस कट करना आना चाहिए देन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्योंकि बिजनेस ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं मतलब हम कोई छोटा सा पार्ट भी निभाते हैं इफ़ वी सी द रिलेशनशिप्स और हमारे हर चीज में प्रॉब्लम आती है तो बिजनेस में भी आएगी बट दोज हु अ कैपेबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट और विद इन कुछ टाइम में तो एक्चुअली उन्हीं को कंपनी प्रेफरेबल मतलब वो ही प्रेफरेबल होते हैं कंपनी के लिए देन अगेन लीडरशिप क्वालिटी दिस इज रिलेटेड टू टीम वर्क लीडर अगर कोई है मैनेजर तो उसको uh, अच्छे से करना चाहिए सब कुछ उसको अगर उसकी पोजिशन उसके नीचे लोग हैं तो वो एक लीडरशिप स्पिरिट भी होती है तो वो उसको लेके चलना चाहिए दिस मस्ट बी यू मस्ट हैव रेड अबाउट लीडरशिप इन योर बिजनेस स्टडीज़ उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन येस हेयर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजमेंट एंड यू शुड बी ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज होता है ना वो वाला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है उसके बाद प्रिजर्वेंस एंड मोटिवेशन येस दिस इज़ द मोस्ट नेसेसरी थिंग एंड ये कंपनी के पार्ट पे भी और इम्प्लॉय के पार्ट पे दोनों के पार्ट पे ही बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब कंपनी मोटिवेशनल mot के लिए मोनिट्री बेनिफिट्स सिक्योरिटी फ्यूचर सिक्योरिटी ये सब भी देगी सोशल रिकोगनीशन भी देगी पीयर रिकोगगनीशन भी देगी और एट द सेम टाइम एम्प्लॉयज भी कंपनी को मोटिवेशन मतलब एज इन काम करके और सारे स्टैंडर्ड्स मीट करके ये सब चीज़ें करके दोनों ही दोनों आपस में फ़ायदा और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स होते हैं दो दे आर नॉट हाईलाइटेड बट येस दे डू ऑब्जर्व दी स्किल्स लाइक अगर तुम तुम्हें आता है अकाउंट्स बनाने दो नो डाउट तुम बहुत अच्छे से अकाउंट्स बनाते हो बट तुम्हें उसको कॉम्युनिकेट नहीं करना आता तुम्हें कॉम्युनिकेशन देखो कॉम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश कॉम्युनिकेशन रिटर्न कॉम्युनिकेशन एक प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज़ होती है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉम्युनिकेशन तो वो रिटर्न में हो गया बाकी uh, ये भी आपको आना चाहिए मतलब अकाउंटेंट सिर्फ ठीक है आपको बी कॉम की नॉलेज है लेकिन उसके साथ साथ दी स्किल्स आर वेरी नेसेसरी बट हाँ ठीक है हम इसको इतना ऑब्जर्व नहीं करते एज एन इतना कहीं हाईलाइट नहीं करते बट येस कंपनी दे डू सी ऑल द थिंग्स इन अ कैंडिडेट अगर ये सब होगा देन देन ओनली दे विल थिंक टू सेलेक्ट ओके उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें गेस्टिमेट्स केस लेट्स एंड ऑल दैट थिंग्स तो येस अगेन ये सब भी देखा जाता है मतलब ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए तभी वो सब चीज मतलब कैशलेट्स केसटेमेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बट येस आर द स्किल्स हम जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं ये भी देखे जाते हैं सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस नाउ अब डायरेक्टली अप्रोच करना टीयर वन एंड टीयर टू कंपनीज को कितना राइट है कितना रॉन्ग है फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम बड़ी कंपनीज में बात करते हैं कि हम ठीक है सीधा के, के पी एम जी में जाने की सोच रहे हैं सो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ वे लाइक अगर हम इंटर्नशिप्स की बात करें तो एकदम से बड़ी कंपनी में जाना तो वहाँ पे क्या होता है कि यू विल नॉट अडेप्ट एन्वामेंट इमिडिएटली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो कॉलेज में बहुत रिलैक्सेशन होती है बहुत ज़्यादा मतलब कि टीयर वन टीयर टू कंपनीज में रिलैक्सेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती सो यस इसमें आपको डायरेक्टली मूव करना बहुत थोड़ा थोड़ा रिस्की डिसीजन है दो इफ़ यू आर डिसिप्लेंड वेल मैनेज्ड टाइम uh, मैनेजमेंट आती है सेल्फ मैनेजमेंट आता है तो येस यू कैन अप्लाई बट मेरे अकॉर्डिंग एक बार अगर तुम्हें लगता है कि आई के नॉट यू नो मैं इतना uh, वो नहीं हूँ अभी काम को लेके सीरियस या मैंने को पता ही नहीं है अभी कंपनीज में होता क्या तो अपने भी किसी रेफरल से बात मत करो कि मुझे इंटर्नशिप कराओ या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी आती है सॉरी uh, प्लेसमेंट कह रही प्लेसमेंट सेल भी अगर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देता है इस फील्ड इन कंपनीज में सो फर्स्ट ट्राई टू टॉक टू योर प्लेसमेंट सेल की यार क्या होगा पहले तो और आ, मतलब ऐसे कर सब कुछ डिटेल में जान के उसके बाद ही अप्लाई करना अगर आ, और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे तो आपका सिलेक्शन नहीं होता और वैसे ही, पहली बात है अगर फर्स्ट इंटर्नशिप कर रहे हो तो इंटरव्यू फियर ये सब चीज़ों से बहुत डरते हैं लोग तो ये सब आ, भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो इससे बढ़िया है कि एक बार टीयर थ्री में चले जाओ आपकी स्टेट कंपनीज़ या स्टार्टअप्स इन सब में ताकि एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए देन और वो कितना ही स्टार्टअप और ये सब एक एक महीने दो महीने मैक्सिमम तीन महीने की इंटर्नशिप कराते हैं टीयर वन टीयर टू कंपनीज थोड़ी ज़्यादा टाइम की भी करवा सकती हैं बट स्टार्टअप्स और इनमें क्या है कि इवन स्टार्टअप्स तो वन वीक फोटीन डेज इनकी भी इंटर्नशिप कराते हैं सो so, अगर कर सकते हो तो थ्री में एक बार ट्राई करो ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए देन यू कैन मूव टू टीयर वन एंड टीयर टू कंपनीज इन योर कॉलेज लाइफ सो और अगर रिजेक्टेड होते भी हो मतलब टीयर वन में डायरेक्टली अप्लाई करके ऑब्वियस नहीं है ये बट हाँ मोस्ट ऑफ़ द केसेस में लोग रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनको लगता है यार हम इनको ट्रेन करें हमारे तो पहले ही एचार्ज जितने पैसे ले रहे हैं और और बच्चे रखें मतलब और लोग रखें इनको ट्रेन करने के लिए तो इससे बेटर है थोड़ा सा ट्रेनिंग करके आए हमारे पास तब हम इनसे निपट लेंगे सो रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जा मिलता है तो इस में इस रिजेक्शन को ये नहीं कि यहाँ पर लेके ही बैठ गए सो रिजेक्श रिजेक्शन मिला है ना तो ही तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा मेरी यहाँ गलती हो गई थी और नेक्स्ट टाइम वेन आई विल अप्लाई और पहली बार बड़ी कंपनीज़ में फॉर एग्जांपल के की बात कर रहे हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय प्लेसमेंट सेल तुमने वहाँ अप्लाई कर दिया के पी एम जी मैंने यू आर सिलेक्टेड बाय एनी हाउ देन उसके बाद अगर तुमने वहाँ पर फॉर्म नहीं किया यू विल बी ब्लैक लिस्टेड फॉर योर होल लाइफ यू के नॉट अप्लाई टू के इन योर Uh, आगे वाली लाइफ में यू कैन नॉट अप्लाई टू दैट कंपनी दे हैव ब्लैक लिस्टेड यू ऑलरेडी सो इसीलिए एक बार सोच समझ के लेना और अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो बेटर है क्योंकि पता है वहाँ पे आपको पता लग जाएगा वेयर आई एम लैकिंग सो दैट यू कैन वर्क ऑन द थिंग्स जो जो मेरे तो लग रही है कि हाँ ये गलत थी मेरी मेरी ये इसको मुझे चेंज करना चाहिए सा, चाहिए था सो so, अब टीयर वन एंड टीयर टू इज़ ऑल कम्प्लीटेड लाइक इट्स फुली कम्प्लीटेड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट टीयर थ्री कंपनीज एंड वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक होगा बट डीज कंपनीज के इन कंपनीज टीयर वन टीयर टू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कैसे अप्लाई करना है सो आई एम मैं एक बार पूरी स्लाइड दोबारा से शो कर रही हूँ सो दैट यू कैन रिमेंबर वॉट आई हैव कम्युनिकेटेड इन द टू वीडियोज़ फर्स्ट एंड सेकेंड दिस वन सो ओके Okay, so this was the video internship uh, provide. This uh, topic is internship, and this video is provided with Com connection. So I have explained what is uh, what is internship and why we need it. Then the t uh, internship system in India, tier one, tier two, tier three companies. How to get in tier one? How to get in tier two? A uh, skill needed, skills needed for tier one and tier two our decisions of directly approaching tier 1 and tier 2 so this was the uh, conclu uh, the conclusive the video for tier 1 and tier 2 companies and now next part will be or uh, related to tier 3 companies so uh, thank you for watching this video i hope you have subscribed this channel uh, and uh, uh, thank you for watching the video till the end thank you so much